अनेक મહત્વના સમાચાર સામે આવે છે જેમાં મોરબી દુર્ઘટનાને લઈને હાઈકોર્ટમાં PIL એટલે કે પબ્લિક ઇન્ટરેસ્ટ લિટિગેશન કરવામાં આવી છે. વડોદરાના વકીલ ભૌમિક શાહે આ PIL કરી છે. તમામ જવાબદારો સામે FIR દાખલ કરવાની અરજી કરવામાં આવી છે. જવાબદારો સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈતી હતી તેવું ભૌમિકે કહ્યું હતું. जान गुमाई है और 75 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए हैं. वो जो वजह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था और कॉन्ट्रैक्टर ने जो गलतियां की उसका जो परिणाम है आज लोगों ने तो भुगता है, लेकिन गुजरात राज्य और देश में भी बदनामी हुई है कि जब हम टूरिज्म पॉइंट डेवलप कर रहे हैं और टूरिज्म की बात कर रहे हैं और टूरिज्म के लिए बढ़ावा देने के लिए जब प्रोत्साहन दे रही है सरकार, और इसमें अगर ऐसी घटना होती है तो आज नहीं तो कल टूरिज्म में भी ये प्रश्न उपस्थित होगा कि हमें वहाँ विजिट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सुरक्षित होगा कि नहीं. ये सभी मामले जो है ये झूलता पुल टूटने के बाद FSL और SIT का गठन किया गया. अगर ये लोकार्पण समय से पहले जाहिर हित के लिए ये सभी चीज़ें बनती है तो उनका लोकार्पण से पहले अगर निराकरण होता, FSL होता, फिटनेस सर्टिफिकेट होता, कायदे कानून से उनका काम होता तो ये जान न गंवानी पड़ती. ये जो कोई भी चीज़ हुई है उसके लिए चौकस से जो जवाबदार अधिकारी है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, उनके खिलाफ भी पहले से ही पुलिस के द्वारा कड़क से कड़क कार्यवाही होनी चाहिए थी. ये न होने की वजह से हमने नामदार गुजरात हाईकोर्ट को बंधारणीय अधिकार से एक सुओ मोटो लेने के लिए विनंती की है और रजिस्ट्रार सी को यह भी विनंती की है कि आज और भविष्य में ऐसी कोई घटना न बनने पाए और लोगों को कोई जान या जान हानि भी न होने पाए ऐसी हमने